जहरीली शराब मामले ते कांग्रेसी आपस विच ही उलझते हुए दिखाई दे रहे ने। यूथ कांग्रेस के कुछ नौजवान आगुआं वल्लों चंडीगढ़ विखे कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा की कोठी के बाहर प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के नौजवान आगुआ का कहना है कि बाजवा ने पार्टी के अनुशासन को भंग किया है, जेकर बाजवा चाहते तो वह इस संबंध में हाईकमान नाल सीधी गलबात कर सकते सन। प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के इन आगुआ के हाथों में पोस्टर फड़े हुए सन जिन्हें लिखा हुआ सी साडा लीडर कैप्टन। बिल्कुल प्रोटेस्ट करने आए हैं और असं बड़े शांतपूर्ण तरीके नाल आए हैं और चार जने आए हैं और साडे नाल पुलिस साडी सरकार च हो के साडे नाल धक्का कर रही है। असं शांतमई नाल पूरे चार बंदे जबरदस्ती साडे ते बंदे थोपे जा रहे भी तुसीं इन्ने बंदे आए हो। पूरे प्रोटेस्ट शांतमय तरीके नाल तुसीं देख सकते हो। जे साडे वल्लों कोई कानून हाथ च लिता गया तां तुसीं देख सकते हो। बिल्कुल जावांगे। प्रॉपरली आया सानू एक गल दा रोष है कि बाजवा साहब नू जे कोई गिला सीगा कोई शिकवा हीगा वो घर बह के हाईकमान नाल गल कर सकदे, उन्हां दे डायरेक्ट गल हीगी, ना कि वो मीडिया दे सामने आके गल करदे। सानू सारे यूथ नू कि जो उन्होंने किया ये बिल्कुल सही नहीं और यूथ इसके प्रति यूथ यूथ डेवलपमेंट बोर्ड जिंदाबाद, यूथ डेवलपमेंट बोर्ड जिंदाबाद, चौदह है जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर इस प्रदर्शन बारे प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इशारे से ये नौजवान उन्हें खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजवा ने यह भी कहा कि वह माफिया के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, इसलिए नौजवानों को उन्हों का साथ देना चाहिए। कि चंद साड़ी पार्टी ना तुलक रखने वाले साढ़े अपने ही बच्चे उन्होंने प्रेरणा दे के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे घरों भेजा गया है कि तुसी प्रताप सिंह बाजवा नू नसीहत दे के आओ ते एक मेमोरेंडम दे शेप दे विच एक चिट्ठी कली है। मैं उन्हों बच्चों नू कहना चाहना कि गल इस तरह है कि शमशेर सिंह दुल्लो ते मैं ये जिहड़ा पंजाब विच पनपरिया माफिया जिन्हें 121 लोगों की जान ली है, जिन्हें वड़े पैमाने ते पंजाब दे खजाने नू खोरा दिता है, असी उन्हां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं चाहवांगा साडे नौजवान बच्चे भी साडा साथ दे। मैं 16 तो लैके 19 तक चंडीगढ़ दे विच आ, तुसी जदों मर्जी घर आओ तुहानू मैं वेलकम करांगा, चाह भी पियावांगा, मिठाई भी खवावांगा, तुहाडी गल भी सुणांगा। तो यह मैं अपने नौजवान बच्चों को कहना चाहना कि वेखो गल इस तरह तुहानू गलत दा विरोध खुल के करना चाहिए, भावे वह राजनीतिक होए तो भावे होए समाजिक। इतिहास आवाज चुकन वालिया ते ही लिखा जाता है, पैर चटन वालिया ते नहीं। तो मेरी गुजारिश है तुहानू आओ गल करो, मैं तुहानू दसा कि साडी लड़ाई की है। साडी पंजाब दे लोकां दी बेहतरी की लड़ाई है ते अपनी पार्टी कांग्रेस नू बचाण की लड़ाई है। असी माफिया की मदद नहीं करनी। तो मैं आस करांगा मेरे नौजवान बच्चे जदों घर आणगे चाह पानी पीणगे मिठाई खाणगे तो यह साडे वल्लों प्रेरणा लैके जाणगे। तो मैनूं पूर्ण विश्वास है कि अगे तो यही बच्चे जिहड़े साडा साथ देणगे ते जिन्हां नूं नसीहत देण दी लोड़ है ये उन्हां नूं ही नसीहत दित्ती जाएगी। तो इन्ना ही कहिंदा होया मैं उन्हां नूं वेलकम भी करना ते मैं अपना प्रोग्राम भी दसना कि 16, 17 ते 18 तीन दिन मैं चंडीगढ़ होवांगा, मोस्ट वेलकम, मैनूं दस के आओ ते मैं तुहाडा वेलकम करांगा। दस दईए कि जहरीली शराब कांड मामले विच जिथे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ विरोधी धिरां डटियां होईयां ने, उत्थे ही कांग्रेस दे राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा अते शमशेर सिंह दुल्लों कैप्टन खिलाफ मोर्चा खोली बैठे ने। उन्हां वल्लों मंग कीती जा रही है कि इस मामले की जांच CBI वल्लों करवाई जावे जां फिर हाईकोर्ट दे जज तों इस संबंध विच जांच करवाई जावे। चंडीगढ़ तों दर्शन सिंह खोखर, न्यूज़ डेस्क तों ब्यूरो रिपोर्ट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।